गाइस, समझने वालों को इशारा काफी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। आप लोगों ने मेरे ट्रैवलिंग के तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे, और जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा लोगों ने देखा, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार बरसाने के लिए। और अभी तो ब्लॉग का कुछ ऐसे स्पेशल तो है नहीं, बस अब मेरा जैसे दिन कट रहा है घर पे, क्योंकि सब अपने अपने काम पे चले जा रहे हैं। मम्मी पापा अपने काम पे, मेरी बहन अपने इस पे स्कूल क्लासेस, मैं अकेले रहती हूँ पूरा टाइम। मेरे को इतना ज़्यादा बोर होता है अभी, बट ऐसे दिन कट रहा है तो अभी ऐसा कुछ तो स्पेशल है नहीं। अभी मैं कुछ बना रही हूँ अपने लिए, खाना बना हुआ है, बट वो खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। मेरे सेब की सब्जी खाने का मन कर रहा था, मैं पहले बनाऊंगी सेब की सब्जी। घर पे आके पहली बार सब्जी बना के कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं पहली बार खाना बना रही हूँ ना, क्योंकि अभी तक आपने कुछ काम नहीं किया है, आपको कैसा लग रहा है? पहले झूठ बोल रही, करती थी मैं घर पे पहले काम। नहीं, सब्जी तो आप पहली बार बना रहे हो। हाँ, खाना पहली बार बना रही हूँ, बट बाकी मैं हेल्प करती थी। कुछ हेल्प नहीं करती थी, बस सोते थे। झूठी भाई, कितना झूठ बोल। झूठी, जब लॉकडाउन था, जब बाई नहीं आती थी, तब मम्मी को हेल्प करती थी ना, झाड़ू और बर्तन। तो लॉकडाउन था, पर किया ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो कितना साल हो गया उसको? कितना साल हुआ? बहुत साल हो गया। तो ठीक है ना, अभी बना रही हूँ ना, अभी दूंगी नहीं तेरे को खाने, भूखी रह जा। देखते हैं। अरे मेरे को ये हो रहा है प्याज। मैडम, चॉपर नहीं है। तो हाय चॉपर नहीं है, चॉपर कैसा लगा आपका पचका होके? वो अभी घूम नहीं रहा है, तो हमारी गलती है क्या भाई? ते फिरतच नाही आहे पहिली बात तर। तुम्ही चेंज करू नका, तिकडे कोण गेलंच नाही। ते फिरत आहे पण ते कांदा टाकल्यावर फिरत नाही आहे। रेसिपी बताओ, रेसिपी रेसिपी के अंडे है क्या? चल दिखा तेरी हैंडराइटिंग, दिखा जल्दी। ये देखो, इधर खाना बन रहा है और मैडम किचन में पढ़ाई कर रही है गानों के साथ। दिखा हैंडराइटिंग? मैं नहीं बताऊंगा। दिखा जल्दी, दिखा। अरे तो फास्ट फास्ट ले तो ना नको ना। अब तरी बन, दाखो तर। बहुत गंदी हैंडराइटिंग है गाइस इसकी, बहुत ज्यादा गंदी। वो कानों का आता है। आना, ये देखो कहाँ चल रही है पढ़ाई, किचन में चल रही है पढ़ाई, खाने का वेट करते हैं ना। बस खाना अच्छा। दीदी डैडी ने फोन करी, डैडी ने फोन करी। हनी सिंह के गानों के साथ पढ़ाई चल रही है। A few inches later. चल खा के बता। जोरात बोलना। बस तो 2 साल के बाद मैंने इसकी सब्जी खाई है, और मुझे मेरी सब्जी मतलब तूने बनाई हुई सब्जी खाई है, मस्त लग रहा है। मेरी सब्जी के लिए मेरे को मरना पड़ेगा अभी। और हलवा बनाना है, वो भी खाना है। कौन सा हलवा भाई? वो आटे का। ए चुप, चल निकल, शाम को वो खाएंगे। देखो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है स्टील के बर्तनों में खाना खा के, स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि सिर्फ इंडिया में हो सकता है। 2 hours later.
जो हम गए थे इस्कॉन टेम्पल, तो वहाँ से अभी मैं आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा पता है वहाँ जाके, लिटरली मतलब एक ऐसा सुकून था वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस्कॉन टेम्पल मेरे घर के बहुत पास है, लिटरली मतलब 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और मैं पहली बार गई थी वहाँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी ना तब मतलब इतना डेवलप नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत था। तो एक दो बार गई थी मैं, फिर अभी ना वो पूरा मंदिर शिफ्ट हो गया, पूरा जो डेवलप हुआ ना उसके बाद में अभी पहली बार गई हूँ, बहुत सुंदर था। तो अभी इस कौन से आके सब मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, और अभी थोड़ा मैं कर रही हूँ कुछ काम, थोड़ा मेरा ECFMG का सीन था तो अभी वही मैं क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा फॉर्म वॉर्म भरना था तो अभी वही क्लियर करके खाना वाना खा के सो जाऊँगी। और काम क्या है The next day. और हेलो गाइज, यहाँ रात के 11:30 बजे मेरे घर पे बन रही आलू वड़ी, द प्रो शेफ माय मदर। मम्मी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में भी इसको आलू वड़ी बोलते हैं। और ये इसका बैटर है, और ये इसके पत्ते हैं। खाने में मजा आता है इसको तड़का देने का। দেখো একাস্ট একাস্ট মানে একাবাড়ি
दीदी खाओ, मैंने तुम्हारे लिए लाया है बहुत श्रावण है, मेरा श्रावण बहुत दूर से बहुत दूर से लाया है। टेस्ट, जरा सा टेस्ट श्रावण। टेस्ट कभी कर दिया, टेस्ट कभी कर दिया, दीदी पेपर। अभी इसको इस उबलते हुए पानी में वाफ होने का है। अब मेरे को डर लग रहा है, कैसा छोड़ू इसको, मेरे को चटका लगेगा। रे मम्मी सो डायरेक्टली, ए पागल। हाँ, इसको अभी वाफ होने का है। मम्मी वाफ होने का क्या बोलते हैं हिंदी में? उबालने का है? नहीं, इसको स्टीम देने का। गाइस इंग्लिश आता है मेरे को, गाइस स्टीम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और गाइज यहाँ मस्त मूवी सेटअप किया है एक चॉकलेट के साथ, और वहाँ लाइट्स। तभी देखेंगे हम मूवी रात के 12 बजे। और गाइज यहाँ आलू बड़ी रेडी हो चुकी है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी। और इसी के साथ मैं यहाँ व्लॉग भी एंड कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ सोने। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।